हाँ जी, लेक्चर नंबर टू, हाउ टू इंसर्ट जावास्क्रिप्ट इन एचटीएमएल। जावास्क्रिप्ट को हम एचटीएमएल में किस तरह से ऐड करेंगे? तो स्क्रिप्ट का टैग है हमारे पास, जिसके ज़रिए हम जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने बनाई हुई है उसमें आप जावास्क्रिप्ट को ऐड करना चाहते हैं, ओके, तो स्क्रिप्ट का टैग जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये एचटीएमएल है और उसके बाद इसमें आप हेड को यूज़ करें, ठीक है जी। स्क्रिप्ट का टैग हेड में भी यूज़ किया जा सकता है और बॉडी में भी यूज़ किया जा सकता है, जहाँ आपका दिल करे आप स्क्रिप्ट लिख के और उसके बाद जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यही टैग जो है वो इधर आप जो है इसको बॉडी में भी ले जाएं तो यहाँ पे भी ये यूज़ होगा, क्योंकि ये एक हमारे पास इंटरैक्टिव कंटेंट है। ये किसी ना किसी इवेंट के फायर होने पे, मतलब आपने क्लिक करना है, ऑन ब्लोर करना है या ऑन फोकस करना है, तो उसी सूरत में जो है ना वो इसने जो है वो इम्प्लीमेंट होना है, अदरवाइज इसने रन होना ही नहीं है, ठीक हो गया। तो इसलिए जो है ये हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग। अब इसके अंदर आपके पास ये बॉडी है, बॉडी के अंदर आपने कुछ भी लिख दिया कि दिस इज आर टेस्टिंग एचटीएमएल, तो उसके बाद आप स्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स के मुताबिक, अगर आप चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट की भी कोई लाइन वहाँ पे लिखी जाए, तो फिर आपके पास जो है वो जो कमांड है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके बाद आप ये दो चीज़ें यहाँ पर नोट कर लें। वैसे तो मैंने एक लिंक पूरा दिया है कि आप W3 स्कूल के ऊपर वो सारा जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स के नाम का एक लेक्चर है, वो सारा पढ़ लीजिएगा, उसमें छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं। मसलन आप जो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ये लिख रहे हैं ना, जिस तरह हम एचटीएमएल के अंदर टैग्स बोलते हैं, यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो एक लाइन हमने लिखी है ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके आगे जो भी लिख के हमने जब सेमी कॉलन लगा दिया तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक स्टेटमेंट बन गई। तो याद रखें हर स्टेटमेंट के को आपने सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना है, ये इसमें है। इसके अलावा आपके पास जो बने बनाए फंक्शन होंगे उनको बड़ी आसानी से जो है ना वो हम यूज़ कर लेंगे और देखेंगे। इसको हम रन करके देखते हैं फायरफॉक्स में, देखें जी दिस इज आवर टेस्टिंग एचटीएमएल और उसके बाद HHH। हमने टेस्टिंग एचटीएमएल के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट को लिखा था, तो उसने डॉक्यूमेंट और राइट वाला HHH जो है वो उसके बाद लिख दिया। अगर आप इसको पहले कॉल कर लेंगे तो ये उसको पहले लिख देंगे। तो ये हमारे पास स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर आउटपुट फंक्शन कौन सा है? वैसे कोई फॉर्मल आउटपुट फंक्शन इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन तो क्योंकि आउटपुट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमने जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है HTML के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। हमने HTML के एलिमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करनी है, उसको चेंज करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है या उसमें जो भी करना है, तो इसलिए हमें आउटपुट की एज सच ज़रूरत कोई नहीं है इसके अंदर। लेकिन फॉर टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस पर्पसेस दो तरह के आउटपुट स्टेटमेंट जो हैं वो जावास्क्रिप्ट में मौजूद हैं। एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट है जिसके ज़रिए आपको ब्राउज़र के अंदर आउटपुट नज़र आएगी, और एक कंसोल डॉट लॉग की कमांड भी इसमें यूज़ है जिसके ज़रिए आपको कंसोल के अंदर जो है वो आउटपुट नज़र आएगी। कंसोल हमारे पास क्या है वो देखें ज़रा, कि ये मेरे पास है फाइल, मैंने यहाँ पे इसके अंदर लिख दिया console.log कंसोल डॉट एल ओ जी लॉग और इसके अंदर मैंने लिख दिया कि शो इन कंसोल। ये जो लाइन है ये मुझे कंसोल में मिलेगी, ना कि मुझे ब्राउज़र में मिलेगी, ठीक है जी। अब हम इसको सेव करते हैं और उसके बाद जो है वो ब्राउज़र को ही रिफ्रेश करते हैं F5, ठीक है जी। कोई फ़र्क हमें नज़र नहीं आया इसमें,
क्योंकि वो कंसोल में शो होनी है। कंसोल जो होता है किसी भी ब्राउज़र का, दो तीन जो ब्राउज़र हैं जैसे मशहूर ब्राउज़र है फायरफॉक्स है, इसी तरह क्रोम है, इसमें F12 जो है ना जब आप दबाते हैं ना तो इसका डिबगर चल जाता है। हाँ जी, ये विंडो दबा के उसके बाद F12 जी, ये देखें Fn के साथ हमने दबाया तो आप देखें कि ये इसका डिबगर चला है। ये जो चीज़ है ना, ये इंस्पेक्टर और डिबगर पार्ट होता है हर ब्राउज़र में, यह अब आ रहा है जो कोड आपका ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप देखें इंस्पेक्टर लिखें तो उसका कोड आपके नीचे आ जाएगा, वो जो ऊपर आपने इसका जो कोड है ये देखिए हमें कोड नज़र आ रहा है, समझ आ रही। और ये सारा एलिमेंट हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि स्क्रिप्ट जो है वो ये आउटपुट दे रहा है, बॉडी आपकी जो है वो ये आउटपुट दे रही है, हेड आपका खाली है लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो आपका HHH शो कर रहा है, नज़र आ रहा है। हर एलिमेंट का अलग कोड और जवाब उसने दिया हुआ है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सी के अंदर जब प्रोग्राम को रन नहीं करते थे तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको आउटपुट नज़र आती थी, ये वो चीज़ है, ठीक है। इसी तरह ये डिबगर है, इसमें आपको आपका सोर्स नज़र आएगा और उसमें अगर कोई एरर्स होंगी तो वो एरर्स आपको शो करेगा। ये कंसोल है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप देखें हमारी वो वाली लाइन यहाँ पे शो हो रही है, शो इन कंसोल, जो हमने आउटपुट दिया हुआ था। तो ये दो हमारे पास आउटपुट आप कह सकते हैं फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट जी। F12 फायरफॉक्स में और क्रोम में F12 है। ये इसको कहते हैं डिबगर, ये आपका डिबगर खुल गया ब्राउज़र का, ठीक है। तो जब आप बड़े एडवांस लेवल पे प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको इसका यूज़ बड़ी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि जिसमें 5-5, 6-6 हज़ार लाइनें लिखी होती हैं, प्रॉब्लम्स जिसमें आ रही होती हैं, तो वो आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिबगर था, ये कंसोल में हमें आउटपुट जो है वो नज़र आ चुकी है, हम जो भी लिखेंगे वो हमें कंसोल में नज़र आ जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जी आगे इसकी एग्जांपल्स, उन्होंने ये मैंने लिंक्स दिए हैं, ये एग्जांपल्स W3 स्कूल्स पर भी मौजूद है। अब हम बात करते हैं कि हम एक मैनिपुलेट करना चाहते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा कि आउटपुट स्टेटमेंट क्यों नहीं है इसके अंदर, इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मेन मकसद जावास्क्रिप्ट से HTML के एलिमेंट्स को टैकल करना है, उनको मैनिपुलेट करना है, चेंज करना, डिलीट करना, ड्रैग करना या उनके कंटेंट्स को चेंज करना। हमने कल एक छोटी सी एग्जांपल देखी हुई थी, तो उस एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो दो फंक्शन यूज होते हैं, एक फंक्शन यूज होता है, एक प्रॉपर्टी यूज होती है, वो है जी गेट एलिमेंट बाई आई डी। गेट एलिमेंट बाई आई डी नाम से काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये बेसिकली क्या है, ये ऐसा फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट में जब हम कॉल करते हैं तो ये आपकी HTML डॉक्यूमेंट में उस मखसूस एलिमेंट को फाइंड करता है जिसका आईडी आपने पेरेंसेस में दिया होता है, ठीक। जब आप उसको उस फंक्शन उस को रेफर कर रहे होते हैं तो ये बेसिकली एक रेफरेंस हम पास कर रहे हैं कि उस पे उसके पास चले जाओ। जब वो उस एलिमेंट के पास चला जाएगा फिर आप उसकी उसके साथ क्या सलूक करना चाहते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। सारे इसके फंक्शन हम पढ़ेंगे कि गेट एलिमेंट बाई आई डी डॉट के साथ हमारे पास क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब आप देखें, फॉर एग्जांपल मैंने दिया है कि आपने एक पैरा बनाया P और उसका आईडी आपने मेन रखा होगा। अब आप अगर मेन को रेफर करना चाहते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट अगर आप मेन को रेफर करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी गेट एलिमेंट बाई आई डी और पेरेंसिस के अंदर उसका जो आई डी आपने दिया हुआ है वो आपको देना होगा। हाँ जी, गेट एलिमेंट बाई आई डी के साथ और उसके बाद पेरेंसिस के अंदर आप उसकी आई डी दे देंगे, वो डायरेक्ट उस तक पहुंच जाएगा। इनर HTML जो है ये एक प्रॉपर्टी है, वही है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द आप पेरेंसिस नहीं देखेंगे। प्रॉपर्टी हमेशा ऐसे ही होती है जैसे आप किसी चीज़ का वेरिएबल नहीं पढ़ लेते, वो वेरिएबल इसको हमें कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। तो आप देखें ये हमारे पास इनर HTML की वैल्यू, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि हमारे पास ये वैल्यू है पी आई डी मेन और ये हमने इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ टेक्स्ट। अब हम चाहते हैं कि जहाँ पे ये टेस्ट हमें नज़र आ रहा है ना उसकी जगह पे लिखा जाए दिस इज़ टेस्ट टू। तो हम इसको जावास्क्रिप्ट में कैसे रेफर करेंगे, गेट एलिमेंट बाई आई डी मेन डॉट इनर HTML, क्योंकि इनर HTML वो प्रॉपर्टी है जो उस एलिमेंट का जो सोर्स है उसको चेंज कर देगी विद इन द एग्जिस्टिंग HTML फाइल। तो वहाँ पे लिखा जाएगा दिस इज टेस्ट टू। अगर हम ये
ये देखें, ये हमारी बॉडी है, ये मैंने लिखा था ना दिस इज आवर HTML। मैं इसको बंद कर देता हूँ पी के टैग, इसका आईडी मैंने रख दिया कि ये मेरा, ये जो मैंने एक सॉरी ये जो मैंने एक लाइन लिखी है, ये अब लाइन जो है ना मेरी, ये क्या बन गया, दिस इज आवर टेस्टिंग HTML। अब ये एक एलिमेंट बन गया है क्योंकि मैंने इसको टैग में बंद कर दिया, और इस एलिमेंट का नाम क्या है, मेन, इसकी आईडी क्या है। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ अपने ब्राउज़र में, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप जाके देखें वहाँ पर ब्राउज़र में, आप जाके इसकी आउटपुट को देखें, आप इसकी आउटपुट को देखें तो नथिंग इज़ हैपन्ड, सिवाय इसके कि ये पी की एक खुद ब खुद एक खूबी है कि पी के बाद जो कुछ लिखा जाता है वो अगली लाइन पे चला जाता है पैराग्राफ में, लेकिन आप देखें वो एज इट इज़ लिखा हुआ। अब मैं ये चाहता हूँ कि दिया हुआ तो मैंने ये है, लेकिन जब ये पेज लोड हो तो कुछ और आ जाए, तो अब मैं यहाँ पर अगर चाहता हूँ कि ये जो पी है इसके साथ कुछ चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पर देखें अब क्या लिखता हूँ, मैं इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, किसको, मेन वाले को, तो इसका गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये फंक्शन है, इस फंक्शन में मैं उसका आईडी पास करूँगा, ये मेन मैंने पास कर दिया, प्रेफरेंसेस बंद करूँगा, इतना लिखने से उस फंक्शन तक मैं पहुँच गया, उस एलिमेंट तक मैं पहुँच गया। अब डॉट, जब मैंने डॉट डाली तो इसके बाद मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। अब मैं इसके अंदर सिर्फ आज जो है वो इनर को हम देखेंगे, इनर HTML इक्वल, ठीक है, और इसके अंदर अब आप जो स्ट्रिंग दे देंगे उसकी जगह वो स्ट्रिंग जाके लिखी जाएगी, ठीक। तो अब देखिए मैं वही वाली लिखता हूँ, दिस इज आवर टेस्टिंग HTML एंड JS। अब हमने हमारी आउटपुट में आना ये चाहिए, लेकिन ये क्योंकि हमने स्क्रिप्ट साथ ही लिख दिया हुआ है, इसको हमने क्लिक पे या ब्लोर पे या फेकस पे नहीं लगाया हुआ, समझ आ रही है ना, अगर क्लिक पे लगाया होता तो उस वक्त तक चेंज नहीं होना था जब तक हम क्लिक ना करते, ये तो डायरेक्ट है और ये चल जाएगा। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इस ब्राउज़र को ज़रा खोल के रिफ्रेश करते हैं, तो देखते हैं जी कि ये क्या स्कोप करता है। दिस इज़ आवर टेस्टिंग HTML। अब ये प्रॉपर्टी को जो है वो चेंज इसमें देख, कौन सा पैराग्राफ, हाँ जी ये स्लैश के साथ हमने क्लोज किया। अब ये इनर HTML है, और उसके बाद हम इसको दोबारा कॉल करते हैं F5, बटन लगाएंगे, मेरा ख्याल है उसके ऊपर इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो उस सूरत में जो है ना ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी, क्योंकि ये स्क्रिप्ट तो उस वक्त तक रन ही नहीं होगा ना जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे। हमारा स्पेलिंग देखें ज़रा, कहीं पे हमारे कुछ स्पेलिंग तो नहीं गलत, बाज़ूकात ये भी हो जाता है। ये हमारा राइट वाला फंक्शन ही है, दिस इज़ आवर टेस्टिंग HTML। इसको हम बटन के साथ एसोसिएट करेंगे तो उस सूरत में जो है ये हमारे सामने इसको कंप्लीट कर देंगे। गलती हमने की है, और वो गलती है जब हमने फंक्शन में इसको कॉल करना है तो गेट एलिमेंट से करना है, अब हम इसको डॉक्यूमेंट के लिए कॉल कर रहे हैं तो इसके साथ डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, कि जो डॉक्यूमेंट मौजूद है उसके अंदर उस आईडी को लो और उसके साथ ही जो है ना उसको चेंज कर दो। अब इसको हम जरा रन करते हैं, देखते हैं जी डॉक्यूमेंट डॉट, क्योंकि हम रेफ़र कर रहे हैं
कि गेट डॉक्यूमेंट के फ्लां एलिमेंट को जाओ, वो रेफर तो चला गया, गेट पे भी चला गया, लेकिन जब तक हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी को चेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक उस डॉक्यूमेंट में हमें चेंज नज़र नहीं आएगी। चेंज नज़र आने के लिए हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना पड़ता है, तब इस जगह पे हमें वो चेंज नज़र आती है। इसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये हमने इसमें किया, तो उसके बाद आप देखें कि हमें तो ये लाइन नज़र आनी चाहिए थी। इस लाइन को आप जितना मर्जी छोटा कर दें, लेकिन क्या हुआ कि इसने पहले ये लिखा, उसके बाद ही उसको स्क्रिप्ट मिल गया, और स्क्रिप्ट मिला तो उसके अंदर इस कंटेंट्स को हमने चेंज किया हुआ है दिस इज़ आवर टेस्टिंग के साथ। तो हमें जो फाइनल कंटेंट नज़र आ रहा है अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर, वो पहले वाला नहीं है जो बॉडी में लिखा हुआ है, बल्कि वो नज़र आ रहा है जो हमने स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ। यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि इनर HTML के बाद हमने डिस्कस किया है जी वेरिएबल्स। कंप्यूटर की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो उसमें वेरिएबल्स जो होते हैं वो लाजमी तौर पर शामिल होते हैं। वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। टेम्परेरी हमने वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है, उनको प्रोसेस करके और उसके बाद हमने उनके रिजल्ट्स को शो करना होता है। तो जावास्क्रिप्ट में भी जो है वो हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। ये मेरा स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट है, ठीक है। इसी के अंदर जो है वो मैं, यानी ये मेरा कंसोल वाला आ रहा है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी। डिक्लेयर करने का तरीका होता है वेयर, आप देखें वेयर मैंने लिखा तो ये साथ ही इसके वेयर एक्स, ये मेरा एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। इस तरह भी आप कर सकते हैं वेयर वाई इक्वल 10, यानी आप डिक्लेयर भी कर दें साथ में उसको वैल्यू भी दे दें, ठीक हो गया। इस तरह भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, इस तरह भी डिक्लेयर किया जा सकता है वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन वेरिएबल्स को आप एट ए टाइम भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं वेयर नेम इक्वल HABIB हबीब स्पेस, ठीक है जी, कार नेम बाइक नेम यूनाइटेड, ठीक है जी, और एज जो है ये मैं लिख लेता हूँ 35, ये देखिए एज, सेमी कॉलन नहीं आएगा, कॉमा आएगा, और ये हमारे पास ठीक हो गया। ये एक ही लाइन में हमने तीन मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल हम ए बी सी, यहाँ पे आप देखें शमरेसा कि हमने टाइप किसी की भी मेंशन कोई नहीं किया कि ये इंटीजर है, ये नंबर है या स्ट्रिंग है। इसमें बहुत सारी इकसाम के वेरिएबल यूज़ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स को सपोर्ट करती है जावास्क्रिप्ट, ठीक हो गया। लेकिन फ़िलहाल जो है वो हम नंबर्स और स्ट्रिंग्स के साथ डील करेंगे। जब आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हो वेयर एक्स, ये डिक्लेयर हो गया, जब आपने वाई इक्वल 10 किया या खुद ब खुद ही नंबर बन गया, क्योंकि इसको जो वैल्यू आपने दिया वो नंबर है। यहाँ हमने वेयर ए बी सी दिया, ये डिक्लेयर हो गया है, कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसमें जो वैल्यू है उसको कहते होते हैं अनडिफाइंड। जब तक आप इसको वैल्यू नहीं देते ये अनडिफाइंड होता है। ये मैंने दो लाइनें लगा के आगे कुछ लफ्ज लिखे हैं, कमेंट्स, ये वो पार्ट होगा जो कभी भी इसमें शामिल नहीं होगा, ना ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक हो गया। इसी तरह अब मैंने आगे लिखा कि वेयर नेम इज़ इक्वल टू हबीब, जब मैंने डबल कॉमा में बंद किया तो ये टेक्स्ट स्ट्रिंग बन गया। बाइक नेम यहाँ पे भी मैंने यूज़ करना था इक्वल साइन, क्योंकि इक्वल जो है वो इसमें एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है, जो राइट साइड पे वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को मिल जाती है। अब बाइक नेम क्या है, ये यूनाइटेड है, इसमें क्या स्टोर हो गया यूनाइटेड, एज में क्या स्टोर हो गया 35, और नेम में क्या स्टोर हो गया ये। अब मैं अगर इसको शो करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये शो हो जाए, तो उसी तरह मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ, और जब आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू को शो कराना हो तो पेरेंसेस और सॉरी आपको जो है ना वो कोटेशन मार्क्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लिख दें जी कि नेम कॉमा, नहीं ना कॉमा नहीं होगा शायद, प्लस बाइक नेम प्लस एज, और इस तरह करके आप इसको शो करवा सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि ये सिंटैक्स चलता है या कॉमे वाला सिंटैक्स चलता है, ठीक है।
सेव करें जी, प्लस सीन, यहाँ पर आएँ और इस फाइल की आउटपुट को देखते हैं कि कैसे ये मॉडिफाई होती है। तो आप देखें हबीब यूनाइटेड 35 बिल्कुल साथ साथ जो है वो लिखा गया। आप इसमें जो भी वेरिएशन देना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से आप वेरिएशन दे सकते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। ये नेम है, हम चाहते हैं नेम के बाद एक स्पेस आ जाए, तो ये इस तरह करके आपको स्पेस देनी पड़ेगी। डबल कोटेशन में आप स्पेस दे दें, ठीक है, साथ में कंकैटिनेट कर दें। तो लाइन ब्रेक करनी हो तो वो भी मैं करके तो बताता हूँ जी। फिर इसके बाद आप स्पेस दे दें, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप देखें। अब इसको सेव करें, सेव करने के बाद इसको आप रन करें, F5 करें, तो आप कुछ सेमी कॉलन वगैरह जो है ना वहाँ से ख़त्म हो गया, ये प्लस यहाँ पे नहीं लगा, ठीक है जी। और ये सेव, और उसके बाद जो है वो इसमें आप आके F5 करें। अब आप देखें हबीब यूनाइटेड और 35 में एक एक स्पेस भी आ गई, ठीक है। लाइन ब्रेक के लिए हम यूज़ करके देखते हैं इसमें BR का टैग, इसमें कि यहाँ पर हम लिख देते हैं BR, ठीक हो गया। और ये जो हमने इसको दिया है यहाँ पर भी हम लिख देते हैं BR। अब इसको कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं जो HTML का टैग है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और वो जो स्ट्रिंग आप दे रहे हैं उस स्ट्रिंग में आप पूरा HTML का कोड लिख सकते हैं, पूरा जो मर्जी टैग लिखें, बॉडी लिखें, HTML लिखें, जो मर्जी आप जो है ना बड़ी आसानी से इस पूरे के अंदर डबल कोटेशन के अंदर आपका पूरा HTML कोड और कोई भी टैग जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ जिस तरह का लिंक चाहें आप शो करवा सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई बात, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल्स हो गए, वेरिएबल्स को आप नाम कैसे दे सकते हैं ये मेंशन किया गया। वेरिएबल आप देखें कि मैंने डिक्लेयर मुख्तलिफ तरीक़ों से किए, इसमें कोई भी मेथड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं कंबाइन वाला, और जिस वेरिएबल को आप कोई वैल्यू नहीं देंगे वो अनडिफाइंड कहलाएगा। जब आप वैल्यू दे देंगे तो वो स्ट्रिंग या नंबर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यू जो है वो आ जाएगा। इक्वल का साइन यहाँ पे एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। नाम आप क्या रख सकते हैं वेरिएबल का, वेरिएबल का नाम जो होता है ये शॉर्ट होना चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए, या डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, या ऐसा नाम हो जिसको पढ़ के पता चल जाए कि इसमें क्या स्टोर होगा, ठीक है, या फिर बिल्कुल मुख्तसर। जैसे अब मैंने लिखा ना बाइक नेम, तो मुझे यहाँ से क्लियर हो गया कि इसमें उसके बाइक का नाम जो है वो स्टोर किया जाएगा। अच्छा, नाम लिखने के हमारे पास उसूल यही है, आप लेटर का नाम भी लिख सकते हो, लेटर डिजिट मिला के भी लिख सकते हो, डॉलर साइन और अंडरस्कोर भी लिख सकते हो। यानी मैं कुछ मिसालें आपको देता हूँ, आपका ये नाम जो है ये इनवैलिड नाम है क्योंकि नंबर नहीं आप रख सकते, ये इनवैलिड है। आपका ये जो नाम है H9 ये वैलिड है, ठीक हो गया। इसी तरह आप इसका नाम इस तरह भी रख सकते हो, डॉलर साइन ये भी वैलिड है, ठीक है। और इसी तरह आप नाम ये भी लिख सकते हो बाइक अंडरस्कोर नेम, ये सारे वैलिड नेम हैं, सिर्फ इसमें से ये जो है ये एक इनवैलिड की हमारे पास में सारे। हाँ जी, अंडरस्कोर से जब आप शुरू कर देंगे ना उसके बाद आप नंबर भी लिख सकते, अंडरस्कोर 9 जो है ये लिखा जा सकता है, लेकिन ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप अंडरस्कोर और डॉलर साइन को जब वेरिएबल नेम में यूज़ करो। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कन्वेंशन यूज़ की जाती है वेरिएबल का नाम लिखने के लिए। कन्वेंशन क्या होती है, रूल नहीं होता, रवाज होता है, रवाज, समझ आ रही, ये गौर से सुनिएगा बात। कन्वेंशन जो है वो ये रूल नहीं होता कि आप अगर उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपके लॉजिकल एरर आ जाएगी। मसलन अगर हम 9 से लिखेंगे तो ये तो एरर है ना, ठीक है। अब मैंने बाइक नेम ये लिखा, देखो वहाँ बाइक नेम मैंने किस तरह लिखा, गौर से देखिएगा। मैंने बाइक, एक तो मैंने अंडरस्कोर यूज़ नहीं किया, दूसरा मैंने नेम का N कैपिटल किया है, यहाँ मैंने बाइक नेम में अंडरस्कोर यूज़ कर लिया। तो जो कन्वेंशन यूज़ करता है जावास्क्रिप्ट, इसको अपने दिमाग में बिठा लें और इसी कन्वेंशन के मुताबिक आप अपने वेरिएबल्स और फंक्शंस के नाम रखें तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ये गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखा हुआ है ना, इसमें सिर्फ एक ई को छोटा कर दें ये फंक्शन नहीं चलेगा, ठीक है, इस आई को छोटा कर दें ये फंक्शन नहीं चलेगा। तो ये कैसे आपको याद रहेगा, तो याद रखें इसकी कन्वेंशन ये है कि इसके फंक्शन और वेरिएबल का नाम जो शुरू होता है वो स्मॉल से शुरू होता है,
गेट का जी छोटा है, और अगर तो अगर वो एक ही वर्ड का नाम है तो वो छोटी में लिखा जाएगा, लेकिन अगर दो वर्ड का नाम है तो फिर दूसरा वर्ड जो है वो उसका पहला करेक्टर कैपिटल हो जाएगा। जैसे ये था गेट एलिमेंट बाई आईडी, कितने लफज हैं ये, चार हैं, तो गेट का जी छोटा है, एलिमेंट का भी ई बड़ा है, बाई का भी बी बड़ा है, आईडी का भी आई जो है, ये इसकी कन्वेंशन आप अडॉप्ट कर लेंगे तो आप इसी कन्वेंशन के मुताबिक मैंने जो है ना वो बाइक नेम रखा, बाइक और एन का एन जो है वो, अब इससे मुझे टेंशन कोई नहीं, समझ आ रही, मेरे वेरिएबल्स के नाम भी मैंने उसी कन्वेंशन पे रख लिए, तो अब मुझे याद होगा अगर मैं आपको कहता हूँ कि सेट स्क्रीन एक फंक्शन है इसका जावास्क्रिप्ट का, तो फौरन आपके जहन में आ जाएगा कि सेट स्क्रीन में क्या होगा, सेट कैस छोटा होगा, स्क्रीन कैस जो है वो बड़ा होगा। ये कन्वेंशन जाननी जो है, ये समझनी जो है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसके में वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के बाद कमेंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, और इसका जो सिंटैक्स है उसके लिए जो है वो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, ये जो मैंने मेंशन किया है इसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं जी। स्टेटमेंट के बाद आपने सेमी कॉलन लगाना है, वेरिएबल की डिक्लेरेशन कैसे करनी है, स्ट्रिंग कौन सी वैल्यू होती है और किस तरह देनी है, डबल कोटेशन में हमने स्ट्रिंग देनी है, न्यूमेरिक वैल्यू को आप इशारिये में भी दे सकते हो, बगैर इशारिये के, यानी ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसमें मेंशन की है। यहाँ तक क्लियर है जी, ठीक है, तो नहीं ये आपका आज का लेक्चर था।